अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वाटर प्रेस पाकिस्तान में खुश आमदीद। इस वक्त पोर्नग्राफी माली लिहाज से दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक बन चुकी है। पोर्न साइट्स की इनकम दुनिया में कई मुमालिक के मजमूई बजट से ज़्यादा है। शुरू शुरू में समझा जाता था कि पोर्नग्राफी की अहमियत सिर्फ मगरबी मुमालिक तक ही महदूद रहेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तासुर गलत साबित हुआ जब इस्लामी ममालिक के लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान ममालिक पोर्न साइट को रिसर्च करने में पहले नंबर पर आ चुके हैं, जिनमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पहला नंबर है। पाकिस्तान में अक्सरियत नौजवान आबादी की है, जो दिन ब दिन तेज़ी के साथ पोर्न साइट्स की तरफ रागब हो रहे हैं। पहले पहल ये साइट्स सिर्फ मर्दों के अंदर मकबूल थीं, लेकिन अब औरतों के अंदर भी पोर्न साइट को रिसर्च करने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमान, ईसाई और यहूदी मजहबी तबकात अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इस माशरती आदत के खिलाफ तहफ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं। लेकिन इन तमाम तहफ़ुज़ात के बावजूद नौजवान तबका तेज़ी के साथ इन वेबसाइट्स की तरफ रागब हो रहा है। अगर हम बनिस्बत इस्लामी माशरे की बात करें तो इस जदीद दौरे हाज़र में पॉर्न वीडियोज़ को सर्च करने में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम पहले नंबर पर आता है। एक सर्च के मुताबिक इन साइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नौजवान नस्ल की लेट शादी है। और ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मर्द औरत को 20 साल की उम्र से सेक्स की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है, जबकि आजकल शादी का लेट होना एक रस्म की शक्ल इख्तियार कर गया है। अंदाजे के मुताबिक आज के दौर में यंग जनरेशन की शादी 30 साल की उम्र में की जाती है। यही वजह है कि जो दरमियान में इतना ज़्यादा गैप आता है, इसमें नौजवान पॉर्न साइट्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात का हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहां लेट शादी और इंटरनेट का किरदार इसमें शामिल है, वहां पॉर्न वीडियोज़ में दिखने वाले एक्टर्स का रोल भी बहुत नुमाया है। जो चीज़ इन्हें इन वीडियोज़ में दिखाई देती है, वही वो अपनी हकीकी ज़िंदगी में तलाश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए नौजवान तबका पॉर्न साइट्स को इस्तेमाल करता है और हर आने वाले दिन के साथ नए नए जिंसी मनाजर से लुत्फानंदोज़ होता है। इसका दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसका नौजवान नस्ल को इस आदत की तरफ धकेलना सबसे बड़ा रोल है, और वो है इंटरनेट की फरहमी और आसान रसाई। इससे पहले कि हम मौजूदा दौर की बात करें, हम माजी को थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि किस तरह माजी में हमें अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिंसी मैगज़ीन रिसाले ख़रीदने पड़ते थे और उनको दूसरों से छुपाने से जैसे मुश्किल काम करना पड़ते थे। ये कह लें कि इसलिए हमें बहुत तवादोद करना पड़ती थी। इसके बरक्स अगर हम देखें तो आज हर नौजवान और नाबालिग के पास सेलफोन है, जिसको वो बड़ी सीक्रेसी के साथ मिसयूज़ करता है। इससे नौजवान नस्ल एक तो बदनामी के टैग से बच जाती है और दूसरा इनका राज भी राज रहता है। पोर्नग्राफी का जो लोग शिकार होते हैं, जो इसकी आदत का शिकार हो जाते हैं, वो अमली ज़िंदगी के अंदर अक्सर नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि उनका जो रुझान है, उनके जो ख्यालात हैं, वो हमेशा जिंसी ख्वाहिशात की तरफ रागब रहते हैं। ऐसे इंसान अमली ज़िंदगी के अंदर कुछ भी क्रिएट और डेवलप नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने साथियों की बनिस्बत अमली ज़िंदगी के मैदान में पीछे रह जाते हैं और अक्सर मायूसी का शिकार रहना शुरू कर देते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, आजकल के दौर में आपने देखा है कि तलाक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब नज़र आता है। पोर्न हैबिट्स का जो अफराद शिकार होते हैं, वो अपने ज़वाजी ताल्लुकात से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि जो करेक्टर पोर्न में दिखाए जाते हैं, वो अमली ज़िंदगी में वैसा तकरीबन नामुमकिन होता है। फिर इसके जब वो अपने लाइफ पार्टनर से गैर फितरी तरीके से जिंसी ताल्लुकात कायम करने का कहते हैं, तो ऐसी सूरत में रिश्तों के अंदर बगाड़ पैदा होता है, जिससे एक खानदान, जिसका नतीजा ये निकलता है कि एक खानदान तबाह हो जाता है। एक खानदान की तबाही का मकसद मतलब ये है कि पूरा मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। पोर्न का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, वो ये है कि इससे माशरे के अंदर जिंसी जराइम में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। आप देखें कि अब तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक के अंदर भी जिंसी जराइम के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिंसी बदफेली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे एक सबब यह है कि इंटरनेट की वजह से
अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों अफराद इस तक आसान रसाई रखते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है वो पढ़े लिखे लोगों पर कुछ और हैं जबकि अनपढ़ लोगों के पर कुछ और हैं, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं वो इसके नुकसान से कदरे पढ़े लिखे लोगों के कम आगाह होते हैं। जब वो ऐसे जिनसी मनाजिर को देखते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा जिनसी लिहाज से इमोशनल कर देते हैं, तो वो फिर माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर जराइम जिनसी जराइम की तरफ रागब होते हैं, जिसके नतीजे में रेप और बच्चों के साथ बदफेली के केसेस में इजाफा होता है। इसके रोकथाम के लिए इंटरनेशनल और नेशनल सतह दोनों सतह पर, कौमी सतह पर और बैनुल अक्वामी सतह पर ऐसे कवानीन और ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट से जो ज्यादा से ज्यादा बचा जा सके।